नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे। दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ती के इस नए अध्याय में हम आपके लिए लाए हैं संधि, जो प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम संधि को समझते हैं, कैसे संधि का विग्रह करते हैं, कैसे संधि का मेल करते हैं, आइए जानते हैं। मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, संधि दो शब्दों का मेल होता है और हिंदी में दो ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका ना कोई शाब्दिक अर्थ जरूर हो। और वो शब्द दो शब्दों का मेल कैसे होता है आप इसे जान सकते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण आपस में मेल खाते हैं, या तो ये उनकी मात्राएं आपस में जुड़ती हैं या फिर शब्द बदलकर आपस में जुड़ जाते हैं, उन दोनों शब्दों के स्थान पे कोई एक शब्द हो जाता है, यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पे कोई एक शब्द कंजक्शन का काम करता है और दोनों मिलकर संधि बनाते हैं। आइए हम पहचान जाने, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया विद्यालय। विद्यालय किससे बना है? विद्यालय दो शब्दों विद्या धन आलय से मिलकर बना है। अब देखिए, समझिए, ये पहला शब्द है पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यहाँ पे लिखा है पहले शब्द के अंतिम वर्ण ये है, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण ये है, आ है, इसका अंतिम वर्ण धा है। अब देखेंगे इस ध पे कौन सी मात्रा है, इस ध पे आ की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पे आ लिखेंगे, और यहाँ पे आ की मात्रा ऑलरेडी है, यहाँ पे आ लिखेंगे। जब ये दोनों मात्रा आपस में जुड़ेंगी इस हिसाब से जब दोनों मात्रा आपस में जुड़ेंगी तो यहाँ पे आ हो जाएगा, और दोनों मिलकर इसके बाद आपको करना क्या है, जो पहला शब्द है उसको लिखना है विद, लेकिन लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है कि वो मात्रा नहीं लिखनी है, यहाँ पे विद्या में जो आ की मात्रा है इसको ना लिखिए, पहला शब्द वैसे के वैसे लिखिए, विद केवल लिखिए, उसके बाद जो आ की मात्रा है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उसके बाद चूँकि आ का मेल हो गया है तो आ यहाँ से हट जाएगा, अब बचेगा लय, लय को यहाँ पे लिखिए। अब हम इसका अच्छे से इसको लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा वी, ध पे आ का मात्रा जाएगा धा लय विद्यालय, यानी कि इसका पहला और इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण दोनों मिलकर आ का निर्माण करते हैं, आ दोनों के बीच में कंजक्शन का काम करता है, इस तरह से विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बनाएंगे। विद्या का मतलब आप सब जानते हैं, ज्ञान है, शिक्षा है, और आलय का मतलब घर है, घर स्थान, ये जगह जहाँ वो विद्यालय की वो स्थान जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम विद्यालय कहते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूँकि आप संधि का मतलब समझ गए, ये जो मैंने ऊपर स्लोगन लिखा है इसका मतलब आप समझ गए कि संधि कैसे बनाते हैं, छोटा सा ये चीज़ था। अब आइए हम देखते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं, शुरू हम यहीं से करेंगे। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, और हमें दे देगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इसमें से कोई एक प्रकार दे देगा, मान लीजिए गुण संधि, और पूछेगा कि इनमें से कौन संधि के प्रकार नहीं है, तो हम कहेंगे गुण संधि संधि के प्रकार नहीं है, क्योंकि संधि के मुख्य प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हैं। गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है, इसलिए इसको संधि का प्रकार नहीं लेंगे। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने स्वर संधि को रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आज हम केवल स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं स्वर संधि में क्या है। दोस्तों स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। यहाँ पे देखते हैं, जब दीर्घ संधि होती है तो मात्रा कैसे बदलती है, गुण संधि होती है तो मात्रा कैसे बदलती है, वृद्धि संधि होती है तो मात्रा कैसे बदलती है, और यण संधि होती है तो मात्रा कैसे बदलती है। आयादि में हमने रूट शब्द लिखा है, बाद में इसको हम बताएंगे कि रूट शब्द क्या होता है। आइए हम जाने, दीर्घ संधि में जब दो शब्द मिलते हैं उनकी मात्राएं आ में बदलती हैं, या बड़ी ई में बदलेंगी या उ में बदलेंगी, यहाँ पे हम लिखे हैं, इसे आप साफ समझ जाएंगे कि जब किसी शब्द का
पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो और दोनों ये अ मिलेंगे तो आ बनाएंगे, यानी कि वहाँ आ की मात्रा लगेगी। जैसे जल्दी से देखिए, राम धन अवतार, पहले नियम के हिसाब से यहाँ पे अ आ गया, यहाँ पर भी अ है और हमने बताया है कि अ प्लस अ मिलेंगे तो ये आ बनेगा, दोनों यहाँ जुड़ेंगे तो आ का निर्माण करेगा। और ये जो आज जो बनेगा ये इस पे मात्रा जाएगी, पहले शब्द के लास्ट वर्ण पे ये मात्रा जाती है। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे राम, और थोड़ी से रफ के लिए ऐसे लिख लेंगे आ की मात्रा यहाँ पे, चूँकि ये करेक्ट नहीं है लेकिन इसको रफ के लिए लिखेंगे। अब देखिए इससे आपको समझ में आएगा, अब इसको अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा राम, चूँकि आ का मात्रा है तो ये मात्रा म पे जाएगा, इसलिए म पर आ का मात्रा और ये व ता रा रामा अवतार, ऐसे आप देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे अ और ये अ मिल गए इसलिए यहाँ से ये अ हट जाएगा, इसका लोप हो गया, ये हट जाएगा और इन दोनों के स्थान पे आ जाएगा, और आ यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा और इन दोनों के साथ मिलकर ये रामा अवतार बनाएगा। आइए अगली वीडियो देखते हैं, सॉरी अगला उदाहरण देखते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं, अगर पहले शब्द में के लास्ट वर्ण में अ आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण आ हो तो दोनों मिलेंगे फिर भी आ बनेंगे, आ प्लस अ मिलेंगे फिर भी आ बनेगा, और आ मिलेगा फिर भी आ बनेगा। एक और उदाहरण, विद्यालय का हमने उदाहरण बताया, आ प्लस आ मिला वो आ बना, अभी हमने विद्यालय का उदाहरण बताया है। अब एक और उदाहरण जल्दी से ले लीजिए, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, यहाँ पे हा में आ है और यहाँ भी आ है, ये दोनों मिलकर आ बनाएंगे, दोनों मिलकर आ बनाएंगे। अब हमने बोला ये जो लास्ट वर्ण है इसको बिना मात्रा का हम लिखेंगे, पहला शब्द ऐसे उतारे, ये लास्ट वर्ण बिना मात्रा का यहाँ पे आ लिख लीजिए, और चूँकि इसका लोप हो गया ये यहाँ से हट जाएगा, अब आधा तो और माँ बचा, ऐसे इसको अच्छे से और लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी ये आ का मात्रा है, ये ह पे जाएगा तो ह पे आ का मात्रा आदत तो और ये माँ हो जाएगा, यानी कि महात्मा बनेगा। ऐसे ई का भी फॉर्मेट होता है, अगर छोटी ई और दोनों छोटी ई हो तो बड़ी ई का वहाँ मात्रा आ जाएगी, अगर एक छोटी ई हो और एक बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई का मात्रा आ जाएगी, और दोनों बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई का मात्रा आ जाएगी। एक इसका भी उदाहरण जल्दी से आप देख लें, बहुत अच्छा उदाहरण है इसलिए इसे हमें लिखवाना पड़ा है, नहीं तो हम समझा कर आगे जा सकते थे। अति धन एवं, अब देखिए ये त में छोटी ई है और ये सॉरी तो कुछ गलत हो गया है, आइए एव नहीं रहेगा यहाँ पे ई रहेगा, ईयू अति धन ईयू, अति धन ई, तो देखिए यहाँ से छोटी ई और यहाँ से छोटी ई दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई बनाएंगे, मैंने बताया यहाँ पे दोनों छोटी ई मिले बड़ी ई बना। अब ये जो होगा इसको हम ऐसे लिखें, और चूँकि हम बोले हैं कि मात्रा नहीं लिखेंगे पहले इसको रफ ऐसे कर लेंगे, और बड़ी ई चूँकि एक कंजक्शन का काम करेगा और इस ई का विलोपन हो चुका है इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको उ लिखेंगे। अब जो हमारा मेन शब्द बनेगा, नया शब्द संधि जो बनेगी वह अ और त पे, ये जो बड़ी ई है ये मात्रा त पे लगेगी, बड़ी ती व अतीव, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, यह भी अक्सर परीक्षा में पूछ देता है, ये भी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं उ का फॉर्मेट देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं उ और उ मिलेगा बड़ा उ बनेगा, छोटा उ और बड़ा उ मिलेगा तो बड़ा उ बनेगा, बड़ा उ और छोटा उ मिलेगा फिर भी बड़ा उ बनेगा, और बड़ा उ और बड़ा उ मिलेगा फिर भी बड़ा उ बनेगा। आइए एक जल्दी से एक इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी
गुरुधन उपदेश। ये बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, हम बता रहे हैं अभी क्यों अच्छा उदाहरण है ये। र में छोटाओं का मात्रा है और यहाँ पे उ है। दोस्तों र में जब छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा देते हैं तो अक्सर हमें पहचान में नहीं आता है। ये अक्सर अशुद्ध में पूछ देता है कि गुरु उपदेश कैसे लिखा जाएगा या इसका शुद्ध रूप क्या है। तो हम आपको बताते हैं, र में कन्फ्यूजन ये होती है। यहाँ पे देखें, ये र है, अगर हम इस पर छोटा उ की मात्रा देंगे तो ऐसे बनेगा, अगर हम छोटा उ की मात्रा र पे देते हैं तो ऐसे र बनेगा, अगर इस पे बड़ा उ की मात्रा हम देंगे तो थोड़ा सा ऐसे डंडा जैसा खींच कर और तब ऐसे बनता है। ये बड़ा उ की मात्रा है, थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन, हम समझ नहीं पाते हैं, अक्सर गलत उत्तर ही हम लोग मार देते हैं। तो जब र पे छोटा उ की मात्रा रहेगी तो मात्रा ये ऐसी रहेगी, और बड़ा उ की मात्रा जाएगी तो मात्रा ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा डंडा खींच के और उ की मात्रा आ जाएगी। आइए यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोटा उ और बड़ा उ और दोनों छोटा उ मिलेंगे तो यहाँ पे बड़ा उ का निर्माण करेंगे। हमारा आगे शब्द क्या बनेगा, गु, चूँकि मात्रा हम नहीं लेंगे वैसे लिख देंगे, और ये बड़ा उ यहाँ पे लिखे और यहाँ से उ का विलोप हो गया, प्रदेश लिखेंगे। अब इसको अच्छे से लिखिए, देखिए अब बड़ा उ की मात्रा जाएगी, हम ऐसे लिखेंगे गुरु उपदेश। ये इसके लिए भी अच्छा उदाहरण है और आपके शुद्ध अशुद्ध के लिए भी ये काम करेगा, थोड़ा सा ये खींच कर आता है गुरु उपदेश करके। ऐसे भी अन्य उदाहरण भी आप कर सकते हैं। एक इसका बहुत अच्छा एक और उदाहरण है, उसको भी हम बता दें आप लोगों को, उसको भी कर लीजिए क्योंकि समय भी कम है। लेकिन आइए देखिए, सु प्लस उक्ति। सु में देख रहे हैं ये बड़ा उ की मात्रा है, और चूंकि यहाँ पे गलत है, सु ऐसे रहेगा, छोटा उ की मात्रा इसमें रहेगा, सु में छोटा उ की मात्रा और यहाँ भी छोटा उ है, दोनों मिलकर बड़ा उ बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे सुक्ति जो लिखेंगे हम स में, ये मात्रा चूँकि एक ही अल्फ़ाबेट है, यही अंतिम वर्ण भी होगा, यहाँ पे कोई मात्रा ना लिखकर यहाँ पे बड़ा उ लिखेंगे, और चूँकि इसका विलोप हो गया इसको हटाएंगे और आधा क और ऐसे लिखेंगे। अब इसको अच्छे से बनाएंगे तो स और इस पर बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, सु आधा क और ती सुक्ति। बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों दीर्घ संधि आप समझ गए, ऐसे इसी फॉर्मेट पे आप आगे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। अब आते हैं गुड़ संधि पे। गुड़ संधि में क्या होता है कि जब दो ये शब्द मिलते हैं, पहला अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, तो एक बार ए बनेगा और एक सिचुएशन में ओ बनेगा और एक सिचुएशन में अर बनेगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, कब ए बनेगा, कब उ बनेगा और कब कब ओ बनेगा और कब अर बनेगा। देखिए, अ और ई जुड़ेंगे, यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो तो दोनों ए बनाएंगे। अगर आ और ई जुड़ेंगे ए बनाएंगे, अगर अ और बड़ी ई भी जुड़ेंगे तो भी यही बनाएंगे, और आ और बड़ी ई जुड़ेंगे फिर भी यही बने, हर सिचुएशन में यही बनेगा। आइए एक इसका उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा ये भी उदाहरण है, यथा धन ईष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, था में आ है और यहाँ ई है। इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा आ जाएगा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। यथेष्ट य और थ, चूँकि आ की मात्रा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हम ए लिख देते हैं, ई का विलोप हो चुका है तो आधा स और ट लिखेंगे। अब जो हमारा शब्द बनेगा य थ, थ पर ए का मात्रा, थ पर ए का मात्रा यथेष्ट। बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका यथेष्ट यथा धन इष्ट यथेष्ट। आइए अगले उदाहरण के चलते हैं, ऐसे ही आप आगे भी करेंगे और भी उदाहरण लेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप गणेश को ले सकते हैं, गर्धन ईस गणेश,
गण धन इस बनाएंगे, गणेश बनेगा। अब आइए हम दूसरे फॉर्मेट चलते, ओ का निर्माण कैसे होता है। ओ जब अ और उ मिलते हैं तो ओ बनता है, अ और बड़ा उ मिलेंगे तो भी ओ बनेगा, आ और छोटी उ मिलेंगे फिर भी ओ बनेगा, आ और बड़ा उ मिलेंगे फिर भी ओ बनेगा, यानी कि आ या अ या बड़ा उ या छोटा उ दोनों मिलेंगे फिर भी वो ओ ही बनाएंगे। आइए एक इस पर भी अच्छा सा उदाहरण देख लेते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, परधन उपकार। पर में यहाँ पे अ है और यहाँ पे छोटा उ है, और ये पहले सिचुएशन के हिसाब से आपका अ और उ मिलेंगे तो यहाँ पे उ का निर्माण करेंगे। अब ये क्या हो गया, प और अ पूरा लिखेंगे, ओ यहाँ पे लिख लीजिए रफ के लिए, उ का विलोप हो चुका है, उ हट जाएगा यहाँ से, और पकार। ठीक, अब इसको अच्छे से लिखेंगे, प और र प ओ का मात्रा रो प का र परोपकार। देखिए एकदम आसान से हो रहा है दोस्तों, अब बस थोड़ा सा पढ़ेंगे आसानी से कर लेंगे, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो और जल्दी से ख़त्म हो जाए। आइए एक और उदाहरण लेते हैं इसी पे, बहुत अच्छा उदाहरण है, महाधन उदय। महाधन उदय इसमें आ है इसमें ई है, उ है, दोनों जोड़कर ओ बनेंगे तो ये हो जाएगा महा हप ओ का मात्रा हो दय महोदय। यह भी बहुत अच्छा उदाहरण, यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। आइए हम आगे चलते हैं, अर का निर्माण कैसे होता है गुण संधि में। जब ई री और अ मिलते हैं तो अर बनता है, और वही जब री और आ भी मिलेंगे फिर भी अ ही बने अर ही बनेगा। आइए इसका उदाहरण देखें हम, ये आपने देखा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला मात्रा और ये वाला मात्रा भी इम्पोर्टेंट है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। आइए इसमें देखिए कुछ, असल में ऋषि वाला जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछ देता है, देवधन 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 ऋषि। ठीक, देवधन ऋषि। अब देव में देखिए व में अ है और यहाँ पे री की मात्रा है, आप जानते हैं दोनों जुड़ेंगे और बनेंगे और बनेगा। अब आइए इसको यहाँ पे लिखिए, देव जी को ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे अ और र लिखिए, और यहाँ पे जो री का विलोप हो गया है यहाँ पे सी लिखिए सी। अब ये अच्छे से इसको लिखेंगे तो दे अ का व पर अ का मात्रा जाएगा वही रहेगा, और जो आधा र है ये इस स के ऊपर आ जाता है, ऐसे आ जाता है, आप लोग देखे होंगे ये मात्रा है तो इसका मतलब कि इसके पहले आएगा। इसका उच्चारण करके देखिए, दे व र सी देवर्षी। आइए आगे चलते हैं, यह भी हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगी दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं उससे पूछ सकते हैं आप। एक और उदाहरण लीजिए, महाधर ऋषि, दूसरा उदाहरण ले लिया जाए जल्दी से। महा में ये आ है और ये ऋषि है री है, ये दोनों जोड़ेंगे इस दूसरे नियम के अनुसार और बनेगा, और ऐसे हम करेंगे तो ह ह में ये और का अ का मात्रा जाएगा तो ह ही रहेगा, और आधा र यहाँ पे रहेगा और स, तो ये आधा र को ऐसे लिखते हैं हलंत देकर, और जब ऐसे ये बनेगा तो आधा र यहाँ पे ऊपर चला आता है, महर्षि महाधन ऋषि महर्षि। आइए अब अगले में चलते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम दो संधि खत्म कर लिए, दीर्घ संधि गुण संधि। जल्दी जल्दी दोस्तों इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि वीडियो लंबा भी ना बने और आपको अच्छे से समझ में आए, बस ये फॉर्मेट आपको याद रहेगा, और ये फॉर्मेट याद रहेगा तो समझिए कि आपकी कोई संधि गलत नहीं हो सकती।
पेपर में हमारे लिए चार ऑप्शन दिए होते हैं, उन चारों जो ऑप्शनों को आप जब मेल करेंगे तो ऑटोमेटिक अगर विग्रह पूछेगा तो मेल करेंगे तो आपको प्रश्न में जो मेल है वो उससे मैच कर जाएगा। अगर यदि आपको विग्रह करने के लिए कहें तो विग्रह तो आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आइए आगे हम चलते वृद्धि संधि पे। आइए वृद्धि संधि में आए और औ बनते हैं, दोनों कैसे बनते हैं ये देखिए। जब अ और ए मिलते हैं तो ए बनते हैं, यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण ए हो तो ए बनेंगे। अगर अ और ए मिले फिर भी ए बनेगा, आ और ए मिले फिर भी ए बनेगा, आ और ए मिले फिर भी ए बनेगा। आइए एक उदाहरण इस पे भी लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत इम्पोर्टेंट ये संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि पूरी खास तौर पे ये आय वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, एक प्लस एक, अब देखिए क में अ है ए है, यहाँ देखिए दोस्तों जिस व्यंजन के ऊपर कोई अगर मात्रा न लगी होती है उसमें अ जरूर लगा होता है, हर एक व्यंजन अ से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पे अ हुआ, यहाँ पे ए हुआ, और ये जब दोनों मिलेंगे तो पहले के हिसाब से ए का निर्माण करेंगे, इसलिए ऐसे हम इस शब्द को लिखेंगे। और ये मात्रा है यहाँ पे लिखेंगे, इसका विलोप हो चुका है, हम यहाँ पे लिखेंगे, और जब इसको और अच्छे से लिखेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो ए का मात्रा है ये इस पे आ जाएगा, तो ये आय का मात्रा एकाएक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे नहीं, एक नहीं मात्रा देंगे, आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ये गलती हो जाती है, एक मात्रा नहीं देंगे हम दो मात्रा देंगे, एक मात्रा देंगे तो एक आएगा जो यहाँ पे है, और दो देंगे तब आय का निर्माण होगा, इसका तब निर्माण होगा, हम ये देंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है, और अक्सर ये भी पेपर में पूछ, कई पेपर में पूछ चुका है, एक एक का संधि विग्रह करें तो एक धन एक 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 हो गया। आइए अब अगला देखते हैं, ऐसे ही आप आगे भी कर लेंगे, ये है फिर से इसका भी उदाहरण ले सकते हैं, सदा धन एवं सदैव, वो भी एक बहुत अच्छी संधि है, तथा धन एवं तथैव, सदैव का देखिए, सदा धन एवं सदैव, यहाँ से आ जुड़ा, यहाँ से ए जुड़ा, और दोनों मिलकर आय बनाए और ये सदैव हो गया। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, अ का निर्माण कैसे होता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ये और व्यंजन संधि अक्सर पेपर में पूछते हैं। अब ये अ को देखते हैं, अ कैसे जुड़ता है, इसके बहुत कम उदाहरण हैं, आइए इसको देखते हैं, अ और ओ जुड़ेंगे अ बनेगा, अ और ओ जो आ और ओ जुड़ेंगे फिर भी अ बनेगा, अ और औ जुड़ेंगे फिर भी अ बनेगा, आ और अ जुड़ेंगे फिर भी अ बनेगा। आइए उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण है बंधन औषध, बंधन औषध, यहाँ से देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ पे ओ है, और ये दोनों जुड़ेंगे तो इस पहले नियम के अनुसार यहाँ पे अ हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारी संधि बनेगी वो वन ऐसे ही लिखेंगे इसको, यहाँ पे ओ का मात्रा लगेगा, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है ओ का मात्रा, इसका यहाँ पे विलोप हो चुका है, नहीं औ सॉरी औ लगेगा, कंजक्शन का काम करेगा, और यहाँ पे सदी हो गए। अब जब इसको अच्छे से लिखेंगे कंजक्शन लगा कर, तब वह जो अ की मात्रा है ये न पे जाएगी, न पर अ की मात्रा नौ सधि बनौषधि। देखे दोस्तों ये भी एक उदाहरण है, इसमें और उदाहरण जोड़ सकते हैं, महाऔषध महाऔषध, ये भी एक उदाहरण है। आइए अब यण संधि पे आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी संधि, यण संधि, इसमें क्या होता है कि
इसमें य या बनते हैं, व वा ये सब बनते हैं, इनके सभी फॉर्मेट बनेंगे, र रा री इसका भी सभी फॉर्मेट बनेंगे। फॉर्मेट बनने के साथ साथ दोस्तों इसमें होता है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। इसमें जो ये यण संधि है इसको यहाँ पर लाइए, जो यण संधि है इसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, रेड पेन से इसको लिखिए, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह आधा हो जाता है, एक बटा दो आधा हो जाता है, और साथ ही आधा होने के साथ तब वो आधा शब्द इनके साथ लगता है, या रहेगा तो या के साथ आधा लगेगा, व रहेगा तो व के साथ आधा लगेगा, और र रा रहेगा तो र रा के साथ आधा वो शब्द लगेगा। आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखने के बाद हम समझ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पहला उदाहरण हम देखते हैं, य या ई का निर्माण कैसे होता है। जब बड़ी ई या छोटी ई के साथ अ मिलेगा तो य बनेगा, ई के साथ ए मिलेगा तो ए का मात्रा आ जाएगा, ई के साथ ऊ मिलेगा तो ऊ का मात्रा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखे हैं हम, यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा आ जाएगा और बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ का मात्रा आ जाएगा। आइए इस पर एक उदाहरण देखते हैं, और इसी तरह से अगर ई पे छोटी ई का मात्रा देंगे तो ई हो जाएगा, बड़ी ई का मात्रा देंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। आइए किसी पर उदाहरण समझते हैं, अति धन अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी संधि जो ये अड़ संधि है, ये अड़ संधि है दोस्तों, ये पूरी संधि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि में सबसे इंपॉर्टेंट ये, उसके बाद वृद्धि संधि और गुण संधि। इसको देखिए, अति धन अधिक, अति में ई और यहाँ पे अ जुड़ा, और ई और अ जुड़ेंगे तो ये बनेगा, और साथ ही साथ हमने बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, तो ये पहला शब्द है, इसका जो ये अंतिम वर्ण है ये तो आधा हो जाएगा, तो इस शब्द को हम लिखेंगे अ और आधा तो, और उसके बाद य, और यहाँ पर चूंकि अ का विलोप हो गया ये मिल करके ये बना ली हैं तो धी क, अत्यधिक, कितना सुंदर शब्द, बहुत ही आसान लेकिन कठिन प्रश्न, आप अगर सीखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे ये अण संधि के द्वारा। आइए एक और इसमें उदाहरण देखते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण वो भी है, ऊपरी धन उक्त, र पे छोटी ई का मात्रा, यहाँ पे बड़ा ऊ, दोनों मिलेंगे, छोटी ई और ऊ दोनों मिलेंगे तो यू बनाएंगे, यहाँ से ई अलाउ दो उदाहरण देखिए, और ये छोटा ऊ बनाएंगे, अगर यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी तो अब ये बड़ा ऊ बनाएंगे और यहाँ से छोटा ऊ बनाएंगे। आइए अब इसको लिखते हैं, उप ऐसे ही यहाँ तक लिखेंगे, और चूंकि ये बताए हैं कि अंतिम वर्ण आधा यहाँ से हो जाता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, तो ये आधा र ऐसे हलन करके लिखते हैं, बाद में इसको और अच्छे से लिखेंगे, और यहाँ पे चूंकि ये विलोप करके ऊ का विलोपन हो चुका है, ऊ हट जाएगा, विलोप करके यू बना लिया है, और आधा क और त उपयुक्त, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो उप आधा र य पर चला आएगा। हमने बताया कि ये भले ही यहाँ पे आता है लेकिन इसका इससे पहले इसका उच्चारण होता है, तो ये यहाँ पे चला आएगा और ये छोटाओं की मात्रा रहेगी, ऐसे करके उपयुक्त, आपने देखा। और ये दोस्तों इसमें संधि में ही नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है उपयुक्त ये संधि कि इसका शुद्ध अशुद्ध भी पूछता है, आपको बड़ा ऊ की मात्रा दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसमें कौन शुद्ध अशुद्ध है, और साथ ही साथ संधि में भी इसकी बहुत उपयोगिता है, देख रहे हैं बहुत
महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दोस्तों जितने भी हम उदाहरण दे रहे हैं सब आपको सेलेक्टेड उदाहरण दे रहे हैं, और आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे या सिर्फ उदाहरण ही देखेंगे तो आप बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी संधि कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। इसी तरह से आगे भी आप कर लेंगे, अन्य उदाहरण लेकर आसानी से कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं व वा वी उ वे का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों जब उ और अ जुड़ते हैं तो व बनता है, उ और छोटी ई जुड़ेंगे तो वी बनेगा, उ और ए जुड़ेंगे तो वे बनेगा। आप जानते हैं यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण उ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ हो तो दोनों जुड़ेंगे तो व बनेंगे। आइए एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए सुधन, अच्छा यहाँ पे छोटा उ यहाँ पे अ, इस नियम के अनुसार ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे उ हो जाएगा और ऐसे बनेगा। चूँकि हम बताए कि इस पूरी संधि में पहला वर्ण आधा हो जाता है, साथ ही साथ ये चेंज होने के साथ साथ आधा हो जाता है, तो चूंकि ये सु ही इसका पहला वर्ण है इसलिए ये आधा हो जाएगा। और ये आधा स जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद यह व आ जाएगा यहाँ पे, और इसका चूंकि लोप हो चुका है ये हट जाएगा और अच्छ स्वच्छ। कोई पूछ दे कि स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होता है या विग्रह क्या होता है तो आप बता देंगे सुधन अच्छ स्वच्छ। ऐसे भी आप आगे का भी उदाहरण कर सकते हैं। एक और आपको उदाहरण हम बता दें, बहुत सुंदर उदाहरण है, हर घर में ये पोस्टर आपको देखा हुआ मिल जाएगा लिखा हुआ, स्वागतम स्वागतम। जब अतिथि ये लोग आते हैं तो हम स्वागतम करते हैं। आइए उसको देखते हैं वो कैसे होता है। सु प्लस आगत, ये सु में छोटा उ की मात्रा है और यहाँ पे आ है। मैंने कहा ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी तो वाह हो जाएगा, अ की मात्रा लगी तो वो है, आ की मात्रा लगी तो वाह हो जाएगा और यहाँ से वाह का निर्माण होगा। और तब हम लिखेंगे चूंकि ये आधा हो जाएगा, पहला वर्ण आधा और उसके बाद इसका विलोप हो चुका है, इसके जगह पे हम वाह लिखेंगे, वाह ग त स्वागत है। दोस्तों स्वागतम या स्वागत कर लीजिए, यहाँ पे म हलंत लगा देंगे तो स्वागतम बन जाएगा, ऐसे करके आधा म लगा देंगे स्वागतम बन जाएगा और नहीं तो ऐसे स्वागत है। बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ये, पूरी यण संधि इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे नंबर उठा सकते हैं यण संधि में। दोस्तों नंबर की बात नहीं होती, एक ही नंबर होता है, रैंक ऊपर से नीचे आ जाती है और सलेक्शन से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अब। तो आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बस पढ़ाई करिए और आप अच्छे नंबर ला देंगे। आइए आगे चलते हैं। इसी में एक और भाग है दोस्तों, उ के साथ साथ एक और भाग है। इसमें ये होता है यण संधि में कि जब री और अ मिलेंगे तो र का निर्माण होता है, और री और आ मिलेंगे तो रा का निर्माण होगा, और री और ई मिलेंगे तो री छोटी री र पे छोटी का मात्रा लगेगी और यहाँ बड़ी ई हो जाएगा तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। आइए एक इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, बहुत इसके भी अच्छे उदाहरण है लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं जितने कि अन्य पूरे यण संधि है, उतने ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आइए देखते हैं इसका उदाहरण। मातृधन आज्ञा, देखिए त्र में ये री की मात्रा और यहाँ पे आ की मात्रा, और ये दूसरे नियम के हिसाब से जुड़ेंगे तो ये रा का निर्माण करेंगे दोस्तों, और ऐसे हमारा संधि बनेगी मा त में, चूँकि हमने बताया कि ये अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा तो आधा त और रा ग्या, और दोनों मिलेंगे तो त और रा मिलेंगे तो त्रा बनाएंगे, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा यानी माता का आज्ञा। इस तरह से आप देख सकते हैं इस संधि, चूँकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसी तरह आपसे पितृ आज्ञा ले सकते हैं आप, उदाहरण पिता की आज्ञा, चूँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोस्तों
यण संधि में ये दोनों फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर जो इसका आधा जो बन रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके व्यंजन संधि में भी एक फॉर्मेट, उसमें भी आधा शब्द का निर्माण होता है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, ये संधि तो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब आते हैं बची है आयादी संधि। आयादी संधि के नीचे दोस्तों हम लिखें रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द दोस्तों वो शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, बिना मतलब कुछ भी आ जाएंगे, वह रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि साइकिल ओइकिल, साइकिल ओइकिल मतलब साइकिल में साइकिल होता है, ओइकिल मतलब वो बिना मतलब का शब्द। रोटी ओटी, रोटी मतलब तो रोटी होती है, ओटी मतलब क्या होती है, कुछ नहीं होता है, वही रूट शब्द हैं दोस्तों। और हिंदी में नियम, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि हिंदी में जब संधि बनती है तो दो ऐसे शब्द जुड़ते हैं जिनका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि विद्या प्लस आले मिलकर विद्यालय बनाएंगे तो विद्या का अर्थ विद्या और शिक्षा से है, और आले का अर्थ जगह स्थान और घर से है, यानी कि विद्यालय मतलब कि वह स्थान जहाँ विद्या प्रदान की जाती है विद्यालय कहलाती है। और आयादी संधि में सब रूढ़ शब्द हैं, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, इसलिए हिंदी में आयादी शब्द की संज्ञा संधि नहीं बनती है, आयादी शब्द का संधि केवल संस्कृत बनती है। इसलिए हम आपको आयादी संधि नहीं पढ़ा रहे हैं, चूंकि हिंदी का विषय नहीं है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप कह सकते हैं। और अगर चाहेंगे कि हम आपको और इससे इसको विस्तार में समझा दें तो उसके लिए भी हम आपको विस्तार से समझाने के लिए तैयार हैं। आपको ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर लिखें और हमारे साथ जुड़ें, और जो भी आपकी समस्या हो आप हमारे साथ शेयर करिए, हम ज़रूर आपको आपकी समस्या से बाहर निकालेंगे और आपको एक्टिव और आसान तरीके से आपको बताएंगे कि संधि कितनी आसानी से की जा सकती है, और आप कोई भी संधि गलत कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आज की संधि में इतना ही मेरे दोस्तों, कल अगले वीडियो में हम जब बनाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में 7 नियम है जिसमें से 4 नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये व्यंजन संधि किसी भी पेपर के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट व्यंजन संधि है। आप इसको मिस मत कीजिएगा, और इसको हमारे साथ अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से व्यंजन संधि को हम करेंगे। और आपके और सब डाउट होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।